नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, बोधगया के मां बुद्धि सांस्कृतिक केंद्र में कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड अल्पसंख्यक सेल के प्रभारी उमेर खान के नेतृत्व में जनसंवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी शामिल हुए। इनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, पूर्व राज्यपाल निखिल सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह शामिल हुए। उमेर खान ने कहा कि अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में नफरत का माहौल पैदा करने में भाजपा लगी हुई है। लूट कसौट भाजपा के DNA में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के संदेश के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरा हुआ है। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। दलित पर अत्याचार हुआ, उमेर खान हमेशा सड़क पर दिखता था। हमने संघर्ष किया और ये जो जनता बैठी है, कुछ लोग जो बाहर गए हैं, हमारे नेता बोलने लगेंगे, वो तमाम लोग आके भर देंगे। 4 घंटे से इंतजार कर रही है। किसी कोने में जो लोग बैठे हैं वहां, उस कोने में हम सबका नाम लेके बोल सकते हैं। ये कोई वैसे लोग नहीं है कि एक सभा में हम मैनेज करके बुला ले। हमने इस सम्मेलन को करने के लिए गांव गांव घूम के 25 जन संवाद किया है। तो ये प्रेम करने वाले लोग यहां सुन रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अध्यक्ष जी, इस बात का भरोसा दिलाता हूं, राहुल गांधी जी ने जब मेरा हाथ पकड़ा था, 2 मरतबा पकड़ा था, 1 मरतबा हमसे पूछा कि उमेर साथ नहीं छोड़ोगे ना, तो मैं आज भरे मजमे में कहता हूं, इमरान भाई को भी मैंने कह दिया, जब तक जिंदा रहूंगा दुनिया की कोई ताकत उमेर को खरीद नहीं सकती। मैं राहुल के साथ रहूंगा क्योंकि मैं इस देश से प्रेम करने वाला इंसान हूं, मैं इस देश के लोकतंत्र और संविधान का मानने वाला इंसान हूं। मुझे दुनिया की कोई ताकत न किसी पद का लोभ देके, न किसी धन का लोभ देके, राहुल से और कांग्रेस पार्टी से और इमरान से और अब तमाम लोगों से अलग नहीं कर सकती है। मैं तो हमेशा इमरान साहब को कहा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारा नेता, जिसके नेतृत्व में हमने पार्टी को ज्वाइन किया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, तो मेरा नेता जब सदन में नहीं था तो सड़क पे हल्ला बोलता था। हर मजलूम की आवाज था इमरान, हर मजलूम की, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में दमन होता था तानाशाह की पुलिस के द्वारा, तो सबसे पहली आवाज अगर सुनाई पड़ती थी हिंदुस्तान में तो उसका नाम था इमरान प्रताप गढ़ी। चाहे किसी आरफा के बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नफरती लोग सड़क पर उतरते थे, तो मुखर रूप से तानाशाह की आंख में आंख डाल के बोलता था इमरान प्रताप गढ़ी। और जब सदन में गया तो आज तो दुनिया हाथ में है, मुट्ठी में तमाम नौजवान, सदन में भी कोई कसर न छोड़ा, चाहे वो बुनकर का मामला हो या बिल्किस का मामला हो या हाथरस की उस दलित बिटिया का मामला हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला हो या BHU का मामला हो, समाज के हर वर्ग का जो भी मामला था, मुखर रूप से तानाशाह की आंख में आंख डाल के सदन में इमरान ने तुम्हारी आवाज को उठाया है। आंखों से देखे उस यात्रा के दौरान कि उसे बताने पे आए तो कभी कभी महसूस होता है कि हमने तो उन 4.5 महीनों में एक इतिहास को बनते हुए देखा। कई कई जगहें तो ऐसी थी, तारिक अनवर साहब गवाह हैं, जब मलप्पुरम यात्रा पहुंची उस तरफ से निकल रही थी, ऐसा लगता था कि एक वक्त में 50,000 आदमी, 1,00,000 आदमी राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी को छूने के लिए, उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए टूट पड़ता था, संभालना मुश्किल हो जाता था। जब यात्रा तमिलनाडु से चली तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि यात्रा तमिलनाडु तक अच्छी रहेगी क्योंकि वहां पे DMK और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यात्रा तमिलनाडु पार करके जब केरल में आई तो एक अलग तरह का कल्चर, एक अलग तरह का खान पान, एक अलग तरह के लोग, अलग तरह की भाषा, लेकिन आप यकीन करें कि जो जोश, जो जज्बा, जो भीड़ तमिलनाडु में थी, जब केरल पहुंचे हैं तो वो कई गुना बढ़ चुकी थी और जोश कई गुना बढ़ चुका था। हम उसके बाद आगे बढ़े और हम कर्नाटक आए तो कर्नाटक में एक मंजर मैं आपको बताता हूं। हम
उस वक्त बेल्लारी और मंड्या के आसपास कहीं एक जगह है, वहां पर थे। अखिलेश जी, मुझे, मैं आगे आगे चल रहा था राहुल जी से थोड़ा सा आगे, तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग 80-82 साल की एक बुजुर्ग महिला जो है वो हाथ में जो खीरा होता है ना, हम लोग खीरा ककड़ी जो खाते हैं, वो खीरा लेकर के खड़ी थी। तो मीडिया के बहुत सारे साथी जो है वो जब इस तरह के किसी दृश्य को देखते थे तो उनसे बात करने की कोशिश करते थे। तो वहां के जो लोकल मीडिया के लोग थे उन्होंने पूछा कि आप इस यात्रा में खीरा लेकर के क्या करने आई हैं? तो उस महिला के जवाब पे मेरी आंखें नम हो गईं। उस महिला ने कहा कि मेरे पास एक धूर एक इंच भी खेत नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की दादी ने यानी कि इंदिरा गांधी ने जब भूमि सुधार कानून लागू किया तो मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी, ये खीरा उसी खेत का है, मैं तोहफा देने के लिए लाई हूं राहुल गांधी को। हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, मैं गवा रहा हूं। यात्रा जब कर्नाटक से आगे बढ़ी, आंध्र प्रदेश आई, हर राज्य में ऐसा लगता था कि कुछ बदलता जा रहा है। और इस बीच हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की टी शर्ट के रेट पता करने शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की टी शर्ट पोस्ट की गई और उस पर टिप्पणी की गई, उसका मजाक उड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई कि जब राहुल गांधी जी की दाढ़ी थोड़ी चलते चलते बढ़ गई तो उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने की। कोई दाढ़ी का बाल गिन रहा था, कोई टी शर्ट का रेट पता रहा था। इतनी बौखला गई थी भारतीय जनता पार्टी उस यात्रा से। उस यात्रा के मकसद को समझना पड़ेगा आपको, आखिर क्यों चला एक शख्स, एक नेता अपना घर छोड़ के 3,500 किलोमीटर। मैं तो अक्सर देश में जाके लोगों से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि राहुल गांधी शहजादे हैं, यह उनका पहला वाक्य होता था राहुल गांधी जी पर जब हमला करते थे तो, कि राहुल गांधी तो राजकुमार हैं, शहजादे हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिसे आप शहजादा कहते थे, वो शख्स 3,500 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता हुआ, लोगों को सीने से लगाता हुआ, गले से लगाता हुआ कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया। और की राजनीति से जो पहल शुरू हुई है और उस पहल में अखिलेश जी का, तारिक साहब का जो किरदार है, मैं उसके लिए कांग्रेस की इस लीडरशिप को सलाम भी करता हूं कि आने वाले दिनों में 2024 में अगर इंडिया अलायंस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बिहार को जाएगा, उस शुरुआत के लिए जाएगा, क्योंकि तो बिहार ने पहल की है। बिहार ने पहल करके ये बताया कि जब कई कई करोड़ में महाराष्ट्र में हुकूमत खरीदी जा रही थी, लोकतंत्र को लूटा जा रहा था, ऐसे में बिहार धारा के विपरीत चला। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलती हुई सरकार ने एक दिन कह दिया कि नहीं, नहीं चलना है इस नफरत के साथ। तो मैं बिहार को सलाम करता हूं, बिहार वालों आपने हमेशा से अगुवाई की है, रहनुमाई की है, नुमाइंदगी की है, आपको आने वाले दिनों में भी करना है। क्योंकि वक्त जहां आकर के आज खड़ा है, यहां हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। आज इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई स्वीकार्यता से यह सरकार इतना परेशान हो गई है कि इंडिया नाम से उसे चिढ़ हो गई है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों बांटना चाहते हो? इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, आप कहां कहां से बांट पाओगे? क्यों पड़ी इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, मंदिर मस्जिद का झगड़ा में करा के और देश की सत्ता में, राज्य की सत्ता में आने के सपना देखने वाले लोगों के खिलाफ
और इस देश में घृणा और द्वेष के राजनीति के नफरत के राजनीति के खिलाफ राहुल जी ने जो निश्चय किया ये ठीक है। न केवल आप यात्री सब, हम लोग भी बैठे बैठे सोचते थे कि क्या राहुल जी ये 4000 किलोमीटर की यात्रा गर्मी जाड़ा और ख़ास करके जब हम लोग कश्मीर पहुँचे तो जिस तरह से स्नोइंग हो रहा था, बर्फ गिर रहा था, बर्फबारी हो रहा था, उसमें भी राहुल जी कभी डिगे नहीं। हम लोग जितना राहुल जी के बारे में जानते थे इस यात्रा के बाद हजार गुना हम लोगों के मन में सम्मान बढ़ गया उनके लिए कि हम लोगों को उसकी अहमियत बताना चाहिए, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, उसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले उदयपुर में कांग्रेस का एक सम्मेलन था और उस सम्मेलन में ये तय हुआ कि जो भारत की हालत है, जो मुल्क की हालत है, उसको देखते हुए कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी आपने देखा, ऐसा लगता था कि मुल्क टूट जाएगा। लोगों के अंदर इतनी नफरत घृणा पैदा कर दी गई, हम एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करने को तैयार नहीं। ऐसे माहौल में राहुल जी ने ये पदयात्रा शुरू की। शुरू शुरू में लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया।